हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम डेथ ऑफ पार्टनर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे ही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही फॉर्मेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे मैं वर्किंग नोट बताता हूँ, वैसे ही करोगे तो आपको डेफिनेटली 100% 10 मार्क्स कम्प्लीटली आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है। पार्टनर्स का नाम दिया है राम, माधव एंड केशव, और उन पार्टनर्स में से केशव की मौत हो रही है 31 जुलाई को। इसका मतलब केशव कितने महीने जिंदा था, सर्वाइविंग पीरियड उसका 4 मंथ्स का। प्रिपेयर में देखिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करो बोला है। प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, तो इसके मार्क्स मिलेंगे। केशव कैपिटल अकाउंट, केशव कैपिटल हमने प्रिपेयर किया। एंड अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब केशव का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, किसी लिए कि कितना अमाउंट केशव के एग्जीक्यूटर को देना बाकी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम करेंगे और साथ में गुडविल सस्पेंस अकाउंट की भी वर्किंग नोट अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केशव का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देते कितना है। बैलेंस बीडी टोटल उसका बिजनेस में कैपिटल है 50,000, यहाँ पे लिख देंगे 50,000। और उसके बाद सबसे फर्स्ट पहला काम कर देंगे हम रिवेल्यूशन अकाउंट्स पूरा क्लोज करके रिवेल्यूशन का प्रॉफिट निकालेंगे और बाद में एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000, मतलब क्रेडिटर्स की कीमत 10,000 रुपये से बढ़ गई है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज का मतलब बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसकी पोस्टिंग कहाँ पर जाएगी, रिवेल्यूशन अकाउंट्स के डीआर में। अगर इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो इसके दो पोस्टिंग्स कहाँ पे होते थे, सबसे फर्स्ट पोस्टिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग रिवेल्यूशन अकाउंट्स के डीआर में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू क्रेडिटर्स 10,000, गॉट इट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड है तो रिवेल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, उसमें तो आपको लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसकी पोस्टिंग हमें वर्किंग नोट्स करते समय यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 4, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक, उसके बारे में क्या बोला है, दोनों भी एसेट्स है लूज टूल्स और लाइव स्टॉक। इसका मतलब लूज टूल्स की कीमत 80,000 हो गई है, जो पहले लूज टूल्स की कीमत की 50,000, मतलब कितने रुपए से बढ़ गए, 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय लूज टूल्स 30,000। लूज टूल्स के बाद नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक की पहले कीमत थी 1,00,000, बाद में हो गए 1,20,000, तो कितने रुपए से बढ़ गया, 20,000 से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय लाइव स्टॉक 20,000। ओके, कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, आरडीडी मेंटेन 10,000, आरडीडी 10,000 रुपए थी। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट करते थे तो बैलेंस शीट में से 10,000 रुपए कंपलसरी क्या होते थे, लेस, और दूसरी पोस्टिंग रिवेल्यूशन अकाउंट्स के डीआर में। मैंने आपको पहले ही बता दिया आरडीडी जब भी मेंटेन बोलती है, मेंटेन की अमाउंट कंपलसरी आपको डेटर्स में से लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इतने ही एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिवेल्यूशन अकाउंट्स थे। तो अब लगे हाथ क्या कर देंगे हम, रिवेल्यूशन अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। रिवेल्यूशन की सीआर साइड आ रही है 50,000, तो इस 50,000 में से डीआर साइड माइनस कर देंगे। 50,000 में से अगर डीआर के 20,000 माइनस कर देते टू प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन कितना आएगा, 30,000। उनका रेशो कितना है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 5:3:2, और उसमें से केशव का कितना है 2, पर यहाँ पे हमको सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि रिवेल्यूशन अकाउंट कंप्लीट कब होता है, जब आप सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन कर देते हो, अदरवाइज आपके एक या हाफ मार्क्स कट सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पार्टनर्स का नाम राम, माधव, केशव, और उनका रेशो कितना है 5:3:2, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कितना आएगा, 50,000 आएगा राम को, 9,000 माधव, एंड केशव का आएगा 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन ओके, कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको क्या बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेस। 2 ईयर्स ऑफ परचेस के नीचे अंडरलाइन करके रखिए,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स और आपको एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स का कैलकुलेट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वर्किंग नोट्स करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से दिखेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ केशोस शेयर इन गुडविल, केशोस शेयर इन गुडविल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का कितना है, टोटल प्रॉफिट 90,000। उसके बाद सेकंड ईयर का कितना है, 1,00,000। उसके बाद 60,000, नेक्स्ट 50,000 और लास्ट ईयर में 50,000 रुपीज लॉस। अब आपको क्या करना है, जितने भी साल में प्रॉफिट हुआ वो सारे के कैलकुलेट करने का है और लॉस उसमें से माइनस कर देगा। फर्स्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपका 3,00,000 प्रॉफिट आएगा, और 3,00,000 में से 50,000 अगर आप लेस कर देते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 2,50,000। ठीक है, ये रही थी स्टेप फर्स्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट। इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 50,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। अब स्टेप थर्ड में आपको क्या कैलकुलेट करने का है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है, 2 साल का। तो टोटल आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आया, 1,00,000। ओके, इतना तो हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, यहाँ पे लिख देंगे हम केशो शेयर इन गुडविल 1,00,000 इंटू 2/10, उसका रेशो है 2/10, तो कितना आएगा, टोटल 20,000 उसका गुडविल में हिस्सा आएगा। तो यहां पे लिख देंगे हम बाय गुडविल 20,000। ओके, डेथ ऑफ पार्टनर के मैक्सिमम प्रॉब्लम में हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, और आप भी ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए, वर्किंग नोट्स को आपको मार्क्स मिलेंगे। जितनी वर्किंग नोट आपकी सिस्टमेटिक होगी उतने ही मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये तो है गुडविल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड हमने सॉल्व किया था गुडविल से रिलेटेड, एडजस्टमेंट 4 ऑलरेडी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 5 में डेटर्स के आरडीडी के रिगार्डिंग वो भी होगा। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, कमीशन रुपीज 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशो, केशो को कमीशन देना है आपको 2,000 पर मंथ। ठीक है, अब केशो को यहाँ पे लिखेंगे हम कमीशन 2,000 रुपये आप केशो को दे रहे थे पर मंथ, वो कितने महीने जिंदा था, 4 महीने वो जिंदा था, तो मतलब टोटल 4 महीने का उसका कमीशन कितना मिलेगा, 8,000। 8,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, केशो कैपिटल अकाउंट्स के CR में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कमीशन 8,000। अब इस 8,000 के 2 पोस्टिंग्स कहाँ पे होंगे, केशो कैपिटल अकाउंट के CR में, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ऐड। ठीक है, जनरल एंट्री बिजनेस के लिए के कमीशन एक्सपेंस है, इसीलिए एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट्स DR टू केशो कैपिटल अकाउंट CR। ठीक है, नेक्स्ट या समटाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू केशो कैपिटल अकाउंट CR करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही इनडायरेक्टली एक ही मतलब है उसका। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर लास्ट में सेकंड पार्ट है रिलेटेड टू सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्या बोला है, केशोज प्रॉफिट फॉर 18-19, मतलब करंट ईयर जो 18-19 है उसमें का जो केशो को प्रॉफिट देना है वो 45,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट उन्होंने निकाला है, और उसमें केशो का आपको हिस्सा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ केशो शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ केशो शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट इसमें लिखेंगे अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर ईयर,
एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर ईयर उन्होंने कितना दिया है, 45,000। इतना क्लियर हो गया? हाँ। नेक्स्ट स्टेप में लेंगे प्रॉफिट फॉर पीरियड, 45,000 पूरे साल भर का। केशव कितने महीने जिंदा था? 4 महीने जिंदा था, तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा, 15,000। इतना क्लियर होगा? लास्ट स्टेप में आप करेंगे केशव शेयर इन प्रॉफिट 15,000 इंटू 210,000। टोटल कितना सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट जाएगा, 3,000। स्टेप बाय स्टेप सुनिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अगर बता दो लास्ट टोटल करेंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट उन्होंने निकाला 45,000। गॉट इट? टोटल केशव कितने महीने जिंदा था, 4 महीने। साल भर का 45,000 प्रॉफिट आएगा, 45,000, तो 4 महीने के लिए कितना आएगा, 15,000। अब 15,000 प्रॉफिट सिर्फ केशव का नहीं है, पूरे बिजनेस का है। अब पूरे बिजनेस में टोटल कितने पार्टनर्स है, तीन पार्टनर्स में केशव का इतना हिस्सा कितना है, 210। अभी 210 कैसे आया, ये तो इजी है। उनका रेशो कितना है, 5:3:2, मतलब केशव का 2 है आउट ऑफ कितना, 210 आउट ऑफ 2 है। गॉट इट? तो 3,000 उसका प्रॉफिट आया, सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट हमने लिख दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे कोई पोस्टिंग्स रिमेनिंग है क्या रिलेटेड टू इस प्रॉब्लम में। बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व दिया है, मैक्सिमम टीचर्स जनरल रिजर्व भूल जाते हैं, तो जनरल रिजर्व की पोस्टिंग्स कहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जनरल रिजर्व, रिजर्व 25,000 अगर हम रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको कितना आएगा, 5,000। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा का सारा पोस्टिंग्स हमने कर दिया रिलेटेड टू बैलेंस बीडी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। अब बस आपको क्या करना है, टोटल करने का है कितना किस्सा आएगा। ठीक है, एक बार चेक करेंगे, बैलेंस बीडी हमने लिखा 50,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6, गुडविल 20,000, उसके बाद कमीशन 8, जनरल रिजर्व 5। ठीक है, और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हम लिख देंगे बाय सस्पेंस अकाउंट 3,000। ओके, कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम। अब बस आपको क्या करने का है, टोटल करने का है, टोटल कितना आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए बैलेंस बीडी कितना है, 50,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6,000, गुडविल 20,000, कमीशन 8,000, और ये सस्पेंस 3, जनरल रिजर्व 5,000। टोटल कितना, 8। टोटल कितना आया, 92,000। टोटल इनकम एक्सपेंस कुछ भी नहीं, मतलब टोटल बिजनेस को केशव के एग्जीक्यूटर को कितना देना पड़ेगा, 92,000। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू केशव एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 92,000। गॉट इट? ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया, एक भी एडजस्टमेंट रिमेनिंग नहीं है। आप बुक में भी आंसर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी दिया है 92,000। ठीक है, कुछ कुछ जगह थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रॉब्लम में नहीं, लेकिन रिमेनिंग प्रॉब्लम्स में, पर यहाँ प्रॉब्लम में सारी इन्फॉर्मेशन एक टू जेड करेक्ट दिया है। ठीक है, आज के वीडियो का मेरा आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल है, आपको बस इतना फाइंड आउट करने का है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने जर्नल इंट्रीज होते हैं, और टोटल ऑफ जर्नल का आंसर भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट।